नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर आती है उसमें क्या रहता है, जो प्रीपोजिशन चैप्टर रहता है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें क्या होता है, 5 से 6 क्वेश्चन जनरली हर एक एग्ज़ाम में जिसमें भी इंग्लिश आती है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आते ही रहते हैं, कॉमन एरर पर बेस्ड आएँ या फिल इन द ब्लैंक्स पर आएँ। तो ये मैंने आपके लिए टॉप 15 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल डिस्कस डैश द प्रॉब्लम विद द मैनेजर। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें राइट प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ड होता है हमारा डिस्कस, क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्कस होता है, और एक होता है हमारा वर्ड डिस्क्राइब। एक क्या होता है, डिस्क्राइब होता है, एक होता है डिस्कस, एक होता है डिस्क्राइब, और एक होता है हमारा वर्ड कंसीडर। क्या होता है, कंसीडर होता है। ये तीनों वर्ड फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, ये अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, इनके साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम विद द मैनेजर। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा इसमें, राइट प्रीपोजिशन बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, सेटिस्फाई के साथ हम यूज़ करते हैं विद, सेटिस्फाइड विद यूज़ करते हैं। ओके, सेटिस्फाइड हो या क्या हो, कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो या कंटेंट हो, दोनों के साथ ही क्या यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें राइट प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक होती है हमारी वर्ड होता है हमारा डिज़ायर, एक क्या होता है हमारा वर्ड डिज़ायर होता है, डिज़ायर की हमारी वर्ब होती है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। डिज़ायर के लिए क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, फॉर यूज़ करते हैं। डिज़ायरस क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, डिज़ायरस क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और डिज़ायरस के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ। डिज़ायरस के लिए क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, हम ऑफ़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिज़ायरस ऑफ विजिटिंग जापान। अगर डिज़ायर है तो डिज़ायर क्या होती है, वर्ब होती है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ही वाज जूनियर डैश मी इन कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमारे IOR वाले एडजेक्टिव होते हैं, IOR वाले एडजेक्टिव होते हैं, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, और हालांकि प्रेफर भी, क्या प्रेफर भी होता है और प्रेफरेबल भी होता है। क्या होता है, प्रेफर और प्रेफरेबल, ये दोनों भी उसी कैटेगरी में आते हैं, और इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। ओके, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रेफर और प्रेफरेबल, इनके साथ भी क्या यूज़ करते हैं, हम टू यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा फ्रेंड्स, ही वाज जूनियर टू मी। ओके, तो क्या यूज होगा, इनके साथ टू यूज होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, माई यंगर ब्रदर इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। मेरा छोटा भाई ये जो है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गुड हो, क्या हो, गुड ऑब्लिक वीक, क्या हो, गुड ऑब्लिक वीक, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एट प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, गुड और ऑब्लिक वीक के साथ क्या यूज़ करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन एट यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माई यंगर ब्रदर इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कंड्यूसिव होता है मींस हेल्दी होता है, बेनिफिशियल होता है, तो कंड्यूसिव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं हम टू। क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है टू। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर शर्मा इज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स बताइए, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एंग्री होता है, एंग्री मीन्स होता है नाराज होना, एंग्री मीन्स क्या होता है, नाराज होना। इसके साथ दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं, एक होता है एंग्री विद, एंग्री विद समवन, जो कि पर्सन के लिए यूज करते हैं हम। ओके, और एक होता है एंग्री एट समथिंग, मीन्स जो एक्शन होता है, एक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एट यूज़ करते हैं, एंग्री विद समवन और एंग्री एट समथिंग। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स हैं जो कि पर्सन है, तो क्या यूज़ करेंगे, एंग्री विद। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दो सी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। वो बहुत, भले ही वो बहुत इंटरेस्टेड है किसमें, सिंगिंग में, लेकिन सी इज़ नॉट गुड, बहुत अच्छी नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। गुड और ऑब्लिक वीक के साथ अभी मैंने आपको बताया था क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। ओके, और इंटरेस्टेड के साथ फ्रेंड्स फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है, क्या यूज होती है, इन, इंटरेस्टेड इन। अगर इंटरेस्टेड ये क्या हमारा पैसिव वॉइस में है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो सी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड
इन सिंगिंग सी इज़ नॉट गुड एट इट। ओके चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, आई एम नॉट एंग्री डैश यू अमन। तो मम्मी मैंने आपको बताया था कि एंग्री के साथ क्या यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए विद। क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, पर्सन के लिए विद यूज़ करते हैं, यू क्या है पर्सन है। ओके तो क्या यूज़ करेंगे, एंग्री विद समवन। ओके अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आर यू एडिक्टेड डैश कॉफ़ी। एडिक्टेड मीन्स होता है किसी के आदि हो जाना, तो एडिक्टेड के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं टू। क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, टू यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू अवेयर डैश द सिचुएशंस। तो बताइए फ्रेंड्स अवेयर के साथ क्या यूज़ करते हैं, अवेयर ऑफ समथिंग। क्या यूज़ करते हैं, अवेयर ऑफ समथिंग यूज़ करते हैं। ओके अगर फ्रेंड्स आ जाए बीवेयर, क्या आ जाए फ्रेंड्स बीवेयर आ जाए, बीवेयर के साथ भी क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं, अवेयर ऑफ समथिंग और बीवेयर ऑफ समथिंग। ओके चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर यू इंटरेस्टेड डैश फोक म्यूज़िक। तो अभी मैंने आपको बताया था इंटरेस्टेड के साथ क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। ओके इंटरेस्टेड के साथ क्या यूज़ करते हैं, इन। आर यू इंटरेस्टेड इन फोक म्यूज़िक। ओके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट डैश देयर पेरेंट्स। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो वर्ड है हमारा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या है फ्रेंड्स, हमारा एडजेक्टिव होता है। डिपेंडेंट क्या होता है, एडजेक्टिव। और एक होता है हमारा वर्ड डिपेंड, डिपेंड क्या होता है, डिपेंड हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ऑन यूज़ करते हैं, डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, दोनों के साथ ऑन यूज़ होता है। ओके चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डोंट गेट सो एंग्री डैश सच ए स्मॉल थिंग। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था एंग्री के साथ क्या यूज़ करते हैं, विद समवन और एंग्री एट समथिंग। तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल थिंग है, तो क्या यूज़ करेंगे, एंग्री एट समथिंग। ओके अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है ही वाज फाउंड गिल्टी, क्वेश्चन नंबर 15 है, ही वाज फाउंड गिल्टी डैश ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, देशद्रोह। ट्रीजन मीन्स क्या होता है, देशद्रोह होता है। ओके वो देशद्रोह का दोषी पाया गया है। गिल्टी मीन्स क्या होता है, अपराधी या दोषी, तो वो देशद्रोह का दोषी पाया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स इसके साथ कौन सा राइट प्रीपोजिशन यूज़ होगा। तो देखिए फ्रेंड्स गिल्टी के साथ क्या यूज़ करते हैं, ऑफ। गिल्टी ऑफ यूज़ करते हैं। ओके तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आई थिंक सी इज़ कैपेबल डैश लीडिंग द कंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स इसके साथ कौन सा यूज़ करेंगे हम प्रीपोजिशन। तो देखिए फ्रेंड्स कैपेबल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होता है, कैपेबल ऑफ। क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स, कैपेबल ऑफ समथिंग। ओके अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट पीपल आर एफ्रेड डैश शार्क्स। जो बहुत सारे पीपल हैं, बहुत से लोग हैं, वो किससे डर जाते हैं, शार्क से डर जाते हैं। बहुत से तो छिपकली से भी डर जाते हैं। तो एफ्रेड के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, एफ्रेड ऑफ। क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, एफ्रेड ऑफ। ओके एफ्रेड ऑफ समथिंग होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, न्यूयॉर्क इज़ एक्सपोज्ड डैश हाई नॉइज लेवल्स। एक्सपोज्ड मीन्स होता है इंक्लाइंड हो जाना, नुकसान की तरफ बढ़ जाना, हाई नॉइज लेवल की तरफ बढ़ रहा है। क्या न्यूयॉर्क एक्सपोज हो रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, एक्सपोज टू। ओके एक्सपोज टू हाई नॉइज लेवल्स। ओके चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज़ डोंट बी एनॉयड डैश मी। तो फ्रेंड्स एनॉयड मीन्स भी क्या होता है, नाराज़ होना, और एंग्री मीन्स भी क्या होता है, नाराज़ होना। दोनों का केस सेम होता है, दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं समवन के लिए, और एट यूज़ करते हैं समथिंग के लिए। विद किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। एंग्री एट किसके लिए यूज़ करते हैं, समथिंग के लिए यूज़ करते हैं, एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ओके तो बताइए फ्रेंड्स में राइट आंसर क्या हो जाएगा, मी है जो कि पर्सन है, तो क्या यूज़ करेंगे, एंग्री विद मी। ओके क्या यूज़ करेंगे, एंग्री विद मी या एनॉयड विद मी, दोनों सेम होते हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सी इज़ इक्वल डैश हिम इन इंटेलिजेंट। तो बताइए फ्रेंड्स इक्वल के साथ क्या यूज़ करते हैं, इक्वल टू यूज़ करते हैं। ओके तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सी इज़ फॉन्ड डैश आइसक्रीम। वो आइसक्रीम खाने की शौकीन है, तो फॉन्ड के साथ क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ऑफ। सी इज़ फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, डबल ऑफ वाला यूज़ नहीं करते हैं। ओके ये नहीं यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ओ एफ वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सम स्मॉल प्लेन्स आर इक्विप्ड डैश पैराशूट्स। तो बताइए फ्रेंड्स इक्विप्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो इक्विप्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, इक्विप्ड विद। क्या यूज होता है, इक्विप्ड विद पैराशूट्स। ओके चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए,
इक्विप्ड की मीनिंग देख लीजिए, इक्विप्ड की मीनिंग आती रहती है जनरली EQUIPPED। ओके, तो ये स्पेलिंग का ध्यान रखिए आप, स्पेलिंग भी कभी कभी पूछ लेता है स्पेलिंग एरर में। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, दे वर रेस्पॉन्सिबल डैश द डिज़ाइन चेंज। तो बताइए फ्रेंड्स इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स रेस्पॉन्सिबल के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एक यूज़ होता है टू और एक होता है फोर। ओके, क्या यूज़ करते हैं? टू और फोर। टू किस केस में यूज़ करते हैं? समवन के लिए। टू कब यूज़ करते हैं? समवन के केस में टू यूज़ करते हैं, और समथिंग के केस में क्या यूज़ करते हैं? फोर। समथिंग के केस में क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? फोर यूज़ करते हैं। रेस्पॉन्सिबल टू समवन और रेस्पॉन्सिबल फोर समथिंग। तो यहाँ क्या डिज़ाइन चेंज है, तो क्या यूज़ करेंगे? फोर। क्या यूज़ करेंगे? रेस्पॉन्सिबल फोर समथिंग। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वी आर कॉन्फिडेंट डैश सक्सेस। तो बताइए फ्रेंड्स इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, कॉन्फिडेंट हो या क्या हो? श्योर। श्योर, कॉन्फिडेंट हो या श्योर हो, तो क्या यूज़ करते हैं? ऑफ। दोनों के साथ ही क्या यूज़ करते हैं? ऑफ यूज़ करते हैं। ओके, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस या वी आर श्योर ऑफ सक्सेस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वाई आर यू एंग्री डैश मी। तो एंग्री के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? विद। एंग्री पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे? एंग्री विद। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड डैश यू। तो बताइए फ्रेंड्स के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होगा, कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा? तो देखिए फ्रेंड्स प्राउड के साथ यूज़ करते हैं ऑफ। प्राउड के साथ क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? हम ऑफ यूज़ करते हैं। पर लेकिन प्राइड के साथ क्या यूज़ करते हैं? प्राइड अगर हमारी वर्ब है, वर्ब के केस में यूज़ हो रही है, तो क्या यूज़ करेंगे? ऑन। अगर प्राइड हमारी किस केस में यूज़ हो रही है? नाउन के केस में। किस केस में यूज़ हो रही है? नाउन के केस में यूज़ हो रही है, तो क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। ओके, प्राइड अगर वर्ब के केस में यूज़ हो रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे? ऑन। प्राइड अगर नाउन के केस में यूज़ हो रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे? इन। ओके, तो प्राउड के साथ यूज़ करेंगे प्राउड ऑफ यू। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, योर अपार्टमेंट इज़ क्वाइट डिफरेंट डैश माइन। बताइए फ्रेंड्स इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे हम? तो देखिए फ्रेंड्स डिफरेंट के साथ हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। डिफरेंट के साथ क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंट के साथ यूज़ करते हैं फ्रॉम, और एक होता है वर्ड हमारा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? इनडिफरेंट के साथ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हम टू। क्या यूज़ करते हैं? टू। डिफरेंट के साथ फ्रॉम यूज़ करते हैं और इनडिफरेंट के साथ टू यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज़ अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन। तो बताइए फ्रेंड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे हम? तो देखिए फ्रेंड्स अकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं हम, क्या यूज़ करते हैं? अकाउंटेबल टू समवन। अकाउंटेबल के साथ क्या यूज़ करते हैं? अकाउंटेबल टू समवन। और एक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं? अकाउंटेबल फॉर समथिंग। क्या यूज़ करते हैं? अकाउंटेबल फॉर समथिंग। अकाउंटेबल टू समवन और अकाउंटेबल फॉर समथिंग, एक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सी वाज रिमार्केबली अकम्प्लिश्ड डैश सिंगिंग एंड डांसिंग। तो बताइए फ्रेंड्स में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? अकम्प्लिश्ड मीन्स होता है प्रोफिशियंट है, एडेप्ट है, स्किलफुल है बहुत। ओके, अकम्प्लिश्ड मीन्स क्या होता है? स्किलफुल है, बहुत एडेप्ट है। तो बताइए इसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम? इन। क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? इन यूज़ करेंगे, इन सिंगिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर डैश वेल्थ। तो बताइए फ्रेंड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? तो सुपीरियर अभी मैंने आपको बताया था, आई ओ आर जितने भी एडजेक्टिव खत्म होते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, इनफीरियर, सुपीरियर और प्रेफर और प्रेफरेबल भी, तो इनके साथ क्या यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं। तो क्या यूज होगा यहाँ पर? टू यूज होगा, सुपीरियर टू वेल्थ। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। क्या किया उसने? अपनी आपकी सफलता पर सक्सेस कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो बताइए फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? कॉन्ग्रेचुलेट हो फ्रेंड्स या क्या हो? कॉम्प्लीमेंट। क्या हो? कॉम्प्लीमेंट। कॉन्ग्रेचुलेट हो या क्या हो? कॉम्प्लीमेंट हो। दोनों के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन। क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? ऑन यूज़ करते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। कॉम्प्लीमेंट के साथ भी हम ऑन ही यूज़ करते हैं। ओके, दोनों के साथ ऑन यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, टूडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। बताइए फ्रेंड्स राइट प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा? तो फ्रेंड्स रिकनसाइल के हमारे दो केस होते हैं। रिकनसाइल के कितने केस होते हैं? दो होते हैं। रिकनसाइल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? टू। और एक क्या यूज़ करते हैं? विद। रिकनसाइल के साथ दो यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन, रिकनसाइल टू और रिकनसाइल विद।
विद किस केस में यूज़ करते हैं? पर्सन के लिए. विद किस किस के लिए यूज़ करते हैं? पर्सन के लिए. और टू किसके लिए यूज़ करते हैं? समथिंग के लिए. किसके यूज़ करते हैं? समथिंग के लिए, किसी एक्शन के लिए. क्या यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर क्या है? रिकनसाइल डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग. तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? टू. समथिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे. टूडे स्टूडेंट्स वुड बी रिकनसाइल्ड टू द वे थिंग्स आर चेंजिंग. ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए. ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13. रवि वाज चार्ज डैश मर्डर. तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? राइट प्रीपोजिशन बताना फ्रेंड्स आपको. राइट प्रीपोजिशन कौन सा होगा? चार्ज मीन्स होता है फ्रेंड्स आरोप लगाना. चार्ज हो या क्या हो? एक्यूज हो. क्या हो? एक्यूज हो. चार्ज हो या फिर क्या हो? एक्यूज हो. चार्ज हो फ्रेंड्स या फिर क्या हो? एक्यूज. दोनों का मीनिंग क्या होता है? आरोप लगाना होता है. दोनों का मीनिंग क्या होता है? आरोप लगाना होता है. बताइए फ्रेंड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने टॉप 15 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं प्रीपोजिशन के. आप इस वीडियो को देखोगे आपका प्रीपोजिशन का चैप्टर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा. काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की. तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ चार्ज है. चार्ज क्या है? वर्ब है. वर्ब के इसमें यूज हो रहा है तो क्या यूज करेंगे? चार्ज विद मर्डर. चार्ज विद मर्डर. उस पर क्या लगा है? मर्डर का आरोप लगा है. तो क्या यूज़ करेंगे? चार्ज्ड विद यूज़ करेंगे. और एक्यूज्ड भी मीन्स क्या होता है? आरोप लगाना. तो एक्यूज के साथ यूज़ करते हैं ऑफ. एक्यूज्ड के साथ क्या यूज़ करते हैं? ऑफ. और चार्ज के साथ यूज़ करते हैं विद. ये आपको ध्यान रखना है दोनों में, ठीक है? अगर ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34. ही असेंटेड डैश माई प्रपोजल. तो बताइए फ्रेंड्स में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? असेंटेड मीन्स क्या होता है? एग्री. असेंटेड मीन्स क्या होता है? एग्री होता है. ओके, तो एग्री के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? देखिए एग्री के साथ हम टू यूज़ करते हैं. और क्या यूज़ करते हैं? विद. विद किस किस के लिए यूज़ करते हैं? पर्सन के लिए. और टू किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी प्रपोजल के लिए. किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रपोजल के लिए. तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ही असेंटेड माई प्रपोजल. यहाँ क्या है? प्रपोजल है. तो क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे. ओके, असेंटेड या एग्री दोनों सेम होते हैं. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35. यू मस्ट कंट्रोल डैश योर चिल्ड्रन. तो बताइए फ्रेंड्स में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? You must control dash your children. Must क्या है फ्रेंड्स? हमारी मॉडल है. ओके, मस्ट क्या है? मॉडल है. कंट्रोल क्या है? वर्ब है. तो बताइए फ्रेंड्स इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? अगर वर्ब के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल के साथ, वर्ब यूज होती है. कंट्रोल हमारा वर्ब के केस में भी यूज होता है और कंट्रोल हमारा नाउन के केस में भी यूज होता है. नाउन के केस में यूज होता है तो क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं. वर्ब के केस में यूज होता है तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर क्या है? वर्ब है. मस्ट के बाद मस्ट क्या? मॉडल है. मॉडल के बाद क्या यूज हुई है? वर्ब. यहाँ क्या यूज करेंगे हम? कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा यहाँ पर. यू मस्ट कंट्रोल योर चिल्ड्रन. ओके, नो प्रीपोजिशन. ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36. ही कॉम्प्लीमेंटेड हर डैश हर न्यू ड्रेस. तो बताइए फ्रेंड्स क्या यूज होगा? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कॉन्ग्रेचुलेट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों के साथ क्या यूज़ करते हैं? ऑन यूज़ करते हैं. ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37. आफ्टर द इनिशियल सेटबैक ही रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ डैश हिज ऑफिस रूटीन. तो बताइए फ्रेंड्स इसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था रिकनसाइल्ड टू समथिंग और रिकनसाइल्ड विद पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ क्या है? हिमसेल्फ के केस में यूज़ हो रहा है. तो क्या यूज़ करेंगे? रिकनसाइल्ड himself to his office routine. office routine के लिए use करेंगे हम. तो क्या use करेंगे? to something के लिए use होगा. क्या use होगा? to something के लिए use होगा. यहाँ पर reconciled himself to his office routine के केस में use होगा यहाँ पर to. okay, अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38. pupils would refrain dash evil deeds. evil deeds क्या होता है? बुराइयाँ होती हैं. तो बताइए फ्रेंड्स refrain के साथ हम कौन सा preposition use करते हैं? refrain means क्या होता है? बचना. रेफरेन मीन्स क्या होता है? बचना है, परहेज करना है. एब्सटेन, एब्सटेन भी होता है. क्या होता है? एब्सटेन भी होता है. रेफरेन हो गया, एब्सटेन हो गया. तो बताइए फ्रेंड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? परहेज करना है, बचना है किसी से. तो क्या यूज़ करते हैं इसके साथ? फ्रॉम यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम. पीपल शुड रेफरेन फ्रॉम इवल डीड्स. पीपल हैं वो किससे बचते हैं? बुराइयों से बचना चाहते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39. माई हैप्पीनेस कंसिस्ट डैश योर वेल बींग. तो बताइए फ्रेंड्स में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? तो कंसिस्ट के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ और इन. क्या यूज करते हैं? एक यूज करते हैं ऑफ और एक यूज करते हैं इन. ओके, या इन मींस क्या हो? इन किस केस में यूज करते हैं? लाइक के केस में इन यूज करते हैं. और ऑफ किस केस में यूज करते हैं? कंप्राइज के लिए. किसके लिए यूज करते हैं? कंप्राइज के लिए ऑफ यूज करते हैं. ओके, कंप्राइज के लिए क्या यूज करते हैं? ऑफ.
तो बताइए फ्रेंड्स में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा यहाँ पर, क्या योर वेल बीइंग, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, इन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इन, माय हैप्पीनेस कंसिस्ट इन योर वेल बीइंग। ओके अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेड इज यूजुअली मेड डैश व्हीट, तो बताइए फ्रेंड्स उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मेड के साथ कई प्रीपोजिशन यूज होते हैं, तो यहाँ पर क्या व्हीट है तो मैं आपको बता देता हूँ मेड का कॉन्सेप्ट, देख लीजिए मेड का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, मेड के साथ यूज़ करते हैं इन, किस केस में यूज़ करते हैं, जब प्लेस की बात होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं मेड इन यूज़ करते हैं, जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, और मेड के साथ हम यूज़ करते हैं ऑफ, मेड के साथ क्या यूज़ करते हैं ऑफ भी यूज़ करते हैं, ऑफ किस केस में यूज़ करते हैं जब हमारा क्या हो फिजिकल चेंज होता है, क्या होता है फ्रेंड्स फिजिकल चेंज होता है जब कोई हमारा, जैसे फिजिकल चेंज मतलब ईंटों से घर का बन जाना या लकड़ी से टेबल बन जाना, चेयर बन जाना, ये क्या फिजिकल चेंज होता है। और एक होता है फ्रेंड्स हमारा मेड फ्रॉम, एक क्या होता है फ्रेंड्स हमारा मेड फ्रॉम होता है, और मेड फ्रॉम किस केस में यूज़ करते हैं हम, जैसे केमिकल चेंज के लिए, किसके लिए यूज़ करते हैं केमिकल चेंज के लिए, क्या यूज़ करते हैं हम मेड फ्रॉम यूज़ करते हैं, केमिकल चेंज मीन्स दूध से दही का बन जाना क्या होता है केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या है ब्रेड इज़ यूजुअली मेड डैश व्हीट, व्हीट जो ब्रेड है वो किससे बनते हैं जनरली व्हीट से बनते हैं, तो ये क्या है केमिकल चेंज है, तो क्या यूज़ करेंगे फ्रॉम, क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स फ्रॉम यूज़ करेंगे। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है, मेड इन मीन्स क्या होता है प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, मेड ऑफ यूज़ करते हैं फिजिकल चेंज के लिए जैसे लकड़ी से टेबल का बन जाना, मेड फ्रॉम यूज़ करते हैं केमिकल चेंज के लिए जैसे दूध से दही का बन जाना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, टेबल्स आर यूजुअली मेड डैश वुड, ये क्या है फिजिकल चेंज है, तो क्या यूज़ करेंगे इसके साथ मेड ऑफ यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे ऑफ यूज़ करेंगे फिजिकल चेंज के लिए, और केमिकल चेंज के लिए फ्रॉम, और प्लेस के लिए यूज़ करेंगे मेड इन। ओके अगले फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वी शुड नॉट लाफ डैश फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, तो बताइए फ्रेंड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा लाफ के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स लाफ के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं एट, एक के यूज़ करते हैं एट और एक यूज़ करते हैं विद। ओके एक यूज़ करते हैं एट और एक यूज़ करते हैं विद। एट किस केस में यूज़ करते हैं, जब हम हंसते हैं किस पर, मजाक पर हंसते हैं, किसी का मॉक बनाते हैं, हंसते हैं किसी पर मजाक बनाते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं मॉक एट, लाफ एट। ओके और विद किस केस में यूज़ करते हैं, जब स्माइल का केस होता है, किसका केस होता है स्माइल का केस होता है, जब हम हंसते हैं मतलब किसी हंसी के लिए हंसते हैं, मतलब किसी स्माइल के पर्पज़ से हंसते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं स्माइल के साथ विद यूज़ करते हैं, मीन्स लाफ विद यूज़ करते हैं, और मजाक उड़ाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं लाफ एट यूज़ करते हैं। ओके स्माइल का केस होता है जो इंजॉय का केस होता है। ओके तो यहाँ पर क्या है फिजिकली चैलेंज जो पीपल है उन पर लोग हंस रहे हैं, मतलब हमें हंसना नहीं चाहिए ये बोला जा रहा है यहाँ पर, तो क्या है मॉक बनाया जा रहा है एक तरह से, तो मॉक के केस में क्या यूज़ करेंगे एट, क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स एट यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेचुलेट हो या कॉम्प्लीमेंट हो दोनों के साथ क्या यूज़ करते हैं ऑन, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। अगला क्वेश्चन है, फॉर द होल मंथ दे लिव्ड डैश फ्रूट एंड वाटर, बताइए फ्रेंड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, फॉर होल मंथ दे लिव्ड डैश फ्रूट एंड वाटर। तो देखिए फ्रेंड्स लिव के भी हमारे कई केस होते हैं, लिव के भी केस बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जो लिव का केस होता है फ्रेंड्स हमारा, देखिए लिव का केस होता है हमारा, एक होता है लिव, लिव एट, लिव एट किस केस में यूज़ करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए, किसके लिए यूज़ करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए लिव एट यूज़ करते हैं। और एक होता है हमारा लिव इन, क्या होता है एक होता है लिव इन, लिव इन, लिव इन किसके लिए यूज़ करते हैं हम लार्ज प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए लार्ज प्लेस के लिए, लिव एट यूज़ करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए, लिव इन यूज़ करते हैं लार्ज प्लेस के लिए। और एक होता है हमारा लिव ऑन, क्या होता है फ्रेंड्स एक होता है लिव ऑन, लिव ऑन किसके लिए यूज़ करते हैं हम वैसे फूड के लिए यूज़ करते हैं लिव ऑन, किसके लिए फूड के लिए यूज़ करते हैं लिव ऑन। और एक और होता है हमारा क्या लिव बाई, एक क्या होता है फ्रेंड्स हमारा लिव बाई, और लिव बाई किसके लिए यूज़ करते हैं मैनर के लिए यूज़ करते हैं, मैनर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स लिव बाई यूज़ करते हैं। ओके तो बताइए फ्रेंड्स में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, लिव एट के साथ क्या यूज़ करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए, लिव इन किसके लिए यूज़ करते हैं लार्ज प्लेस के लिए, लिव ऑन किसके लिए यूज़ करते हैं फूड के लिए, और लिव बाई किसके लिए यूज़ करते हैं मैनर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है फ्रूट एंड वाटर की बात हो रही है, तो क्या है फूड है तो क्या यूज़ करेंगे लिव ऑन, क्या यूज़ करेंगे लिव ऑन यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर लिव ऑन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आई डोंट एग्री डैश यू, तो एग्री केस मैंने आपको कई बार बता दिया है, जिससे क्या होगा ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए हैं दो चार क्वेश्चन, जिससे आपका रिवीजन भी होता है, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस ही तो करानी है आपको बेसिकली, तो आपको प्रैक्टिस हो जाए जिससे कि आप भूलें नहीं बिल्कुल भी। तो एग्री के साथ क्या यूज़ करते हैं विद पर्सन के लिए, क्या यूज़ करते हैं विद, एग्री विद समवन और एग्री एट समथिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46,
ही इज गेटिंग मैरिड डैश माया। तो मैरी के भी केस होते हैं, मैरी का भी बताता हूँ मैं आपको, मैरी के साथ क्या यूज़ करते हैं हम। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, मैरी का केस बताता हूँ मैं आपको, मैरी मैरी के साथ क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हम, मैरी के साथ यूज़ करते हैं हम अगर एक्टिव वॉइस में बात होती है। अगर एक्टिव वॉइस में है तो हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं मैरी के साथ। अगर पैसिव वॉइस में बात होती है तो क्या यूज़ करते हैं मैरी के साथ, टू। क्या यूज़ करते हैं, टू। अगर मैरी एक्टिव वॉइस में है तो नो प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस में है तो टू प्रीपोजिशन, ओके। और एक होता है हमारा वर्ड मैरिड, एक क्या होता है फ्रेंड्स हमारा वर्ड मैरिड होता है। मैरिड के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, मैरिड के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, विद। क्या यूज़ करते हैं, विद, मैरिड विद या मैरिज विद, ओके, मैरिड विद या मैरिज विद, मैरिड कर लो या फिर मैरिज कर लो, दोनों के साथ क्या यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ही इज़ गेटिंग मैरिड विद माया, क्या यूज़ करेंगे, विद माया यूज़ करेंगे, ओके। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, ही डिसअप्रूव्ड डैश हर बिहेवियर। तो बताइए फ्रेंड्स डिसअप्रूव्ड के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, डिसअप्रूव्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है ऑफ, क्या यूज होती है, ऑफ यूज होती है, डिसअप्रूव्ड ऑफ हर बिहेवियर। और अप्रूव के साथ क्या यूज होता है ये बताइए, अप्रूव, डिसअप्रूव के साथ ये ऑफ यूज़ करते हैं और अप्रूव के साथ भी हम ऑफ ही यूज़ करते हैं, ओके। डिसअप्रूव हो या अप्रूव हो दोनों के साथ हम ऑफ यूज़ करते हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, अप्रूव ऑफ समथिंग, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 48, द यूथ शुड बिलीव डैश गॉड। बिलीव के साथ बताइए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, द यूथ शुड बिलीव गॉड, तो बिलीव इन समवन, बिलीव इन समवन, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49, ही वॉज बॉर्न डैश इंडिया। तो बताइए फ्रेंड्स बॉर्न के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जहां हम जन्म लेते हैं वहां क्या यूज करते हैं, इन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ही अपोलोजाइज्ड डैश हर फॉर हिज रूडनेस। तो बताइए फ्रेंड्स के साथ क्या यूज करते हैं, अपोलोजाइज मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, माफी मांगना। तो बताइए अपोलोजाइज के साथ क्या यूज करते हैं, अपोलोजाइज के भी हमारे दो केस होते हैं, एक होता है टू और एक होता है हमारा फ्रेंड्स फॉर। फॉर यूज करते हैं हम किसके लिए, समथिंग के लिए, फॉर किसके लिए यूज करते हैं, समथिंग के लिए फॉर यूज करते हैं। और टू किसके लिए यूज करते हैं, टू यूज करते हैं समवन के लिए यानी पर्सन के लिए, ओके। तो ही अपोलोजाइज्ड हर फॉर हिज रूडनेस, तो क्या यूज करेंगे इसके साथ, फॉर, ही अपोलोजाइज्ड फॉर हर फॉर हिज रूडनेस, ओके। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन तो फिनिश हो चुके हैं, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ही अपोलोजाइज्ड डैश हर फॉर हिज रूडनेस। अपोलोजाइज मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, माफी मांगना। तो अपोलोजाइज के साथ क्या यूज करेंगे हम, फॉर, क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, फॉर, ही अपोलोजाइज्ड फॉर हर फॉर हिज रूडनेस। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने टॉप 50 प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्वेश्चन जो कि MTS एग्जाम हो, CHSL हो, CGL हो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उसके लिए आप इनको प्रैक्टिस करके जाइए फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं क्योंकि प्रीपोजिशन का चैप्टर जो है बेसिकली बहुत वेटेज रहता है एग्जाम में इंग्लिश में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको फ्रेंड्स टॉप 15 प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस कराए हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आपको प्रीपोजिशन के, क्योंकि हर एक एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है, उसमें क्या रहता है प्रीपोजिशन चैप्टर का बहुत वेटेज रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं जनरली। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।